अरे नहीं, किसके आप कौन समझेगा हमारा गवाही नहीं हुई, आपको नहीं समझ है कि हमारा गवाही नहीं हुई तो आगे 1 करोड़ रुपया के नाम आप ले रहे हैं। हाँ तो पैसा लिया है तब तो हमारा गवाही रुका, हम गवाही देने के लिए कागज देते रहेंगे कोर्ट में रिजेक्ट करा के तब किसको मिला रहा था वो एन आई ए लिया होगा। हाँ आखिर हमारा गवाही मानते रहे हम पकड़ा भी सीजर एन आई नेशनल जाँच। नमस्कार आप देख रहे हैं एम न्यूज, मैं हूँ मोना पटेल। हमारे बगल में जो शख्स आप देख रहे हैं ये वही कुली है जिनको 2 बॉडीगार्ड मिला हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम धर्मनाथ यादव। अच्छा आपको 2 बॉडीगार्ड मिला हुआ है, क्या कारण है? 27 अक्टूबर 2013 में भाजपा की हुंकार रैली थी गांधी मैदान, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और प्रधानमंत्री का भागी थे। 9:30 बजे की घटना है, 10 नंबर प्लेटफार्म पर यही शौचालय है, उसी में पहला 9:30 बजे बम धमाका हुआ। उस समय हम अपना खुले विश्राम गृह में इसी जगह थे, धमाका हुआ तो खिड़की हमारा खुला था, धुआं देखे के निकला तो फिर अपना हम लाठी निकाले और निकाल के दरवाजे पर शौचालय के गया, वहाँ पर देखा कि दरवाज़ा खुला और बंद किया, हमको शंका हुआ इसमें है। तब फिर हमारे एक सिपाही जी आर पी के था अशोक कुमार मुखर्जी को हम चाल किए, वो दौड़ के हमारे पास आया और आने के बाद दोनों आदमी मिलकर जाके दरवाज़ा खुलवाया और निकाले, उससे पूछताछ भी किया आके ये घायल व्यक्ति है तुम्हारे साथ है कि नहीं है। हम लोग 15-20 मिनट तक उससे पूछताछ किया, उसके बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आ गए और आने के बाद उनके हम हाथ में थमा दिया और हम लोग के एम्बुलेंस लाने के लिए बोल दिया, तो टेम्पो पर जो घायल व्यक्ति था उसको ला दबा के हम लोग हॉस्पिटल विदा करवा। तो 2 बॉडीगार्ड क्यों मिला? तो मैं पकड़ा भी हो और जब्ती सूची अरेस्टिंग सीजर लिस्ट का मेन गवाह भी हूँ। जब गवाह बना तो उसी समय से मैं अपना सुरक्षा का मांग किया तो सुरक्षा लिखा पढ़ी किए हमको नहीं मिला। 16 में हमारी घटना हुई, मतलब यही 10 नंबर प्लेटफार्म पे 11 बजे रात में। क्या हुआ था? हमारा मतलब सब मार के घायल कर दिया था, वो अकेले थे। यानी आपके ऊपर अटैक हुआ था? अटैक हुआ, उसके बाद हम फिर अपना हॉस्पिटल से 3 दिन के बाद होश आया था आए तो फिर अपना कागज पत्र फिर अपना सुरक्षा का मांग किया नहीं मिला। उसी वक्त फिर हमारा पाकिस्तान से भी धमकी आ गया और 50 लाख का ऑफर भी आया 25 से 50 में, लेकिन हम ये बात बोले कि तुम पाकिस्तान से फ़ोन किया है पैसा देना है तो हम पटना जंक्शन पर रहते हैं, तुम देना है तो आके आओ, वह नहीं आए। फिर अब हम तुरंत अपना कागज पत्र लिखे थाना फाड़ी अपना जो आईजी एसपी साहब लोग के पास जाके कागज रिसीव कराया, कराने के बाद फिर हम हाईकोर्ट का शरण लिया तो जीआरपी का पहला हमारा बॉडीगार्ड मिला रेल पर सरे तक और हाईकोर्ट बाहर आने जाने के लिए भी है और थाना का वक्त था आगे जो इलाका में जाएगा तो उस थाना को ऐसे करना है। हम एसपी डीआईजी साहब के पास भी कागज़ लिखते थे नहीं मिलता था, उसके बाद फिर हम अपना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो जाके ये 30 में उनको फरवरी में हाईकोर्ट से पास हुआ और अप्रैल में हमारे पास है। यानी 2021 से आपके पास बॉडीगार्ड है? 2 बॉडीगार्ड है, पहले जीआरपी का 16 में मिला। अच्छा। रेल पर सारे था, बाहर आने जाने के लिए नहीं मिला था तो फिर हम हाईकोर्ट में अथी किया तो फिर बाहर आने जिला से एक सिपाही हमको तेईस में मिला। अच्छा आप जो रहते हैं एक रहने का जगह जो है कुली विश्राम गृह काफ़ी जर्जर है, फिर इसमें आप गार्ड के साथ कैसे रहते हैं? देखिए हम डीएर और जीएम साहब से भी अपना 3 गो रिमांड करा लिया कि हमको आवाज़ चाहिए, एक लड़का को नौकरी चाहिए और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी कागज हमारे प्रधानमंत्री तो सब कागज दे दिए और डीएर आप नहीं दे रहे हैं। दिन भर हमारा 10 बजे रात में बॉडीगार्ड चला जाता है, अकेले रह जाते हैं, इसलिए रहने का जगह नहीं, इसमें हथियार रखने का मतलब नहीं है, चाहे कुली है हथियार नहीं, लेकिन हमको यदि कुछ हो जाता है या अपहरण होता है चाहे गोली लग जाए जो भी इसका जिम्मेवारी डीएर और जीएम होंगे। अच्छा अभी आपका दोनों बॉडीगार्ड कहाँ हैं? बैठे हुए हैं, एक आदमी डिप्टी कह के दोनों आदमी के सुबह में वो रहता है 10 बजे रात तक में रहते हैं। इनके रहने का जगह इतना खराब है वो भी हम आपको
रहने की जगह की शायद आप मांग भी किए थे तो पूरा नहीं किया। अभी हम रिसीव कराए हैं रिमांड, मतलब तीन को करा दिए हैं डी आर एम कि हमको आवाज दीजिए। देखिए इनका गेट भी टूटा हुआ है, काफी जर्जर है, पूरा टूटा हुआ है। इनके साथ कभी भी घटना हो सकता है। इनका मांग है कि ये जो रहने की जगह है वो पूरा जर्जर है, इनके साथ कभी भी दुर्घटना घट सकता है। इसलिए ये मांग करते हैं कि हमको आवास मिले ताकि अपने बॉडी गार्ड को अपने साथ रखें। रहने की जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पर बॉडी गार्ड रात 10 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब आते हैं तो हम ले जाते हैं गाड़ी में चढ़ाने। अच्छा, कोई दिव्यांग आदमी आता है तो उसको लेके चढ़ाने के लिए खुद खड़े हुए हैं? ना, वहाँ दूर को है, मतलब स्टेशन मास्टर का और ये अपना रखा गया। अच्छा, ये बक्सा सब में आप ही लोग का सामान है? ये तो बक्सा सब अपना। घर भी जाते हैं या यही रहते हैं? हम कहीं जाते नहीं हैं, घर बहुत मतलब यहाँ 4 महीना 5 महीना पर जाते हैं। कहाँ हुआ घर? आरा जिला। अच्छा, आ रहा हूँ, यहीं पर रहते हैं? हाँ, कितने लोग रहते हैं इस रूम में? अच्छा, दिन में तो 20-25 आदमी रहते हैं, रात में 1-2 आदमी डेरा मजदूर चला अकेले कभी पड़ जाते हैं। जब अकेले रहते तो गार्ड रहता है या नहीं? हम वहीं से बोल देते हैं तो कभी रहता है लोग, ना तो अपन रात में चल जाता है, तो फिर हम भी नहीं अति करते हैं, अपने अकेले रहते हैं। इसलिए कारण है कि हथियार का बात है, रात में मान देने अकेले कोई मतलब सक्रिय नहीं है, इसलिए नहीं रहना चाहता। अच्छा, रात में जब अगर गाड़ी आता होगा तो सामान उतारने जाते हैं या नहीं? नहीं, सब 9-10 बजे के बाद हाईकोर्ट का भी है, जुडिशियल चाहे PS आता है तभी जाते हैं, ऐसे नहीं। अब बाकी सुनिए, वो अपने जाता काम करता है, रात में बहुत कम है। अरे कमाने के लिए देखिए तो भाग है, अरे 300-400 मतलब 500 रुपया आदमी दिन भर में कमा लेता है। इतना भारी सब्जी उठाते हैं क्या कीजिए, नहीं करेंगे तो बाल बच्चा है, पेट कहाँ से चलेगा, किससे मांगने जाएंगे? अभी तक ले तो केस लड़ते रह गए, अभी गवाही भी हम नहीं दिए हैं, ना ही विजिलेंस आई पी पर केस किए हैं, गवाही रिजेक्ट करा के हाईकोर्ट में केस भी किए हैं, और पैसा का सबूत भी लगाए हैं, 1 करोड़ NI ने पैसा दिया है, हमारा गवाही नहीं कराने का क्या कारण? तब तक गवाही नहीं कराना चाहते? तो हम हाईकोर्ट में केस किए हैं कि गवाही देने के लिए, कि हम गवाही देंगे छोड़ेंगे नहीं। अरे NI किसके, अब कौन समझेगा हमारा गवाही नहीं हुई? आपको नहीं समझ है कि हमारा गवाही नहीं हुई तो आगे 1 करोड़ रुपया के नाम आप ले रहे हैं? हाँ, तो पैसा लिया है तब तो हमारा गवाही रुका, हम गवाही देने के लिए कागज देते रहेंगे कोर्ट में, रिजेक्ट करा के तब किसको मिला है? वो NI ने लिया होगा, आखिर हमारा गवाही मानते हैं, हमें पकड़ा भी सीजन में NI नेशनल जाँच मान के चलिए कि हम अपना गवाही देने के लिए जब्ति सूची आ रही है सीजन इसका मेन गवाह। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग आप पर अटैक किया था वही लोग उनको 1 करोड़ रुपया दिया है? कैसे लिया हमारा गवाही, मतलब हाईकोर्ट में शपथ पत्र दे दिया, हम कोर्ट में हाजिर करके हम गवाही देने के लिए 50 कागज दे दिया, आखिर गवाही बिना देने नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए जो हो जाएगा। लेकिन NI ने हमारा गवाही को रोका तो हम फिर NI जज साहब से कह के रिजेक्ट करा के हाईकोर्ट में मतलब केस किए। देखिए कि यह कुली और इनके ऊपर कई बार अटैक हो चुका है, लेकिन गवाही नहीं देने के लिए नेशनल जांच ऑफिसर जो है 1 करोड़ रुपया उनको मिला है, इस कारण से इनका जाँच में से नाम ही, इनका गवाही से नाम ही हटा दिए हैं। आखिर इन्होंने फिर कोर्ट से परमिशन लिए है और फिर लिखित दिए है कि हम गवाही देंगे, तो अब गवाही का आदेश मिला है ना? अब हाईकोर्ट में अपना किया है, नंबर पाएगा तब ना, मतलब नंबर आएगा तो गवाही देना है? गवाही जब हाईकोर्ट आदेश करेगा हम दे देंगे। बताइए, जब नेशनल जांच के ऑफिसर NI अगर कहीं पर रिश्वत अगर 1 करोड़ लेने लगे तो लोगों का क्या होगा? लास्ट में लोग छोटे ऑफिसर छोटे पदाधिकारी से तंग आकर के बड़ों के पास जाता है कि ताकि वहां से न्याय मिले, अगर वहां से ही अन्याय होने लगे तो लोग क्या करें? हम लोग आए हैं तो नाराज होकर के हम लोगों को इंटरव्यू भी नहीं देने के लिए तैयार थे, क्योंकि इनका बहुत सारा मांग है, बहुत सारा नाराज भी है कि हम जब आवास की मांग करते हैं गार्ड 10 बजे चला जाता है और 10 बजे से सुबह तक अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? DRM GM होंगे। अब आप देखिए कि जो इसका जिम्मेदार होंगे उसके लिए भी
भी कर रहे हैं, लेकिन गवाही अभी भी हमारे चैनल पर इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। कई बार हमने कहा तब तैयार हुए हैं। इनका कहना है कि जो भी आता है इंटरव्यू लेता है और पदाधिकारी से कुछ भी सवाल नहीं करता है और इंटरव्यू लेकर चला जाता है, हमारी बातें कोई भी ऊपर तक नहीं ले जाता है। लेकिन हमारा उस पदाधिकारी से रिक्वेस्ट है कि इनकी समस्या का समाधान करें, कि अगर आप इनको दो गार्ड दिए हैं और दोनों गार्ड 10 बजे चला जाए सुबह आए, तो उस बीच में अगर कुछ भी होगा तो जिम्मेदार कौन होगा, सो बताइए। हमारे साथ एक पुलिस साहब है, बाकी आपका क्या कहना है आप भी बताइए कि आखिर जो इनके साथ जो हुआ क्या सही था? इन्होंने देश के लिए जितना जो किया, एक इतना बड़ा जो बम फोड़ा, उस माओवादी हो गया ना, उसको पकड़ने के लिए अपनी जान पे बाजी लगा के गवाही तक दिए। इनको गार्ड भी मिला और भी बड़ी मशक्कत के बाद गार्ड मिला, वो भी गार्ड रात के 10 बजे यहाँ से चला जाता है और सुबह आता है। सुबह कितना बजे गार्ड आता है? सुबह 8-9 बजे। यानी कि आपके पास 12 घंटा गार्ड रहता है, 12 घंटा नहीं रहता है। हाँ, आवास मिल जाएगा तो 24 घंटा साथ में रहेगा, आवास के चौथे नहीं रहता। मतलब गार्ड की कोई गलती नहीं? गार्ड के अब क्या मानते नहीं, यहाँ पर देखिए हथियार का बात है, मानते नहीं, हथियार है, कहीं कुछ छुट्टी है, किसी को लगे जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सकते ही नहीं। लेकिन इसका यदि जो भी कुछ होगा, बॉडीगार्ड के यदि कुछ होता है या हमको कुछ हो जाता है, अपहरण चाहे गोली चाहे छुरा भी लग गया, इसका जिम्मेवारी डीएर ऑफ जीवन है। सब चैलेंज दे के कर रहे हैं कि उनको जेल के घंटे में। चलिए, आप सब अगर इनका सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके वहां तक पहुंचाएं ताकि इनको मदद मिल सके। बाकी हमसे जो हो सके हम तो इनके लिए करेंगे।